हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और ये जो पेनी स्टॉक है ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है। और इन फ्यूचर अगर मैं बात करूं तो इस सेक्टर का बहुत दुनिया में बोलबाला होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में। और कंपनी ने रिजल्ट क्वार्टरली अनाउंस कर दिए हैं, रिजल्ट्स को भी हम ध्यान से देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मात्र 9.65 रुपये का ये स्टॉक है। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में अपर सर्किट दिखा है। पिछले 5 दिन में 1% की तेजी है। एक मंथ की बात करें 2% के रिटर्न्स वहीं, बट एक साल की देख लें तो आप देख सकते हैं इस लेवल पर 26-27 के लेवल पर यह स्टॉक पहुंच गया था। बट उसके डाउनफॉल के बाद भी पिछले एक साल में इसने शानदार 180% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को दिए हैं। कुछ साथी समझ भी गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड की। दोस्तों, ग्रीन पावर जो सेगमेंट है आप सभी को पता है, फ्यूचर जो है इन्हीं का होने वाला है। और जिस हिसाब से ये कंपनी कामकाज कर रही है, अगला बड़ा प्लेयर ग्रीन पावर सेक्टर में ये हमें बनता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली पब्लिश हो चुके हैं, चलिए रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है कि कंपनी के टोटल इनकम कितनी रही है। ये क्वांटिटीज़ लैक्स में है, आपको देखना पड़ेगा। 7819 जो है लैक्स क्वांटिटी इस मींस क्वार्टर में इनकम टोटल आई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4020 थी। तो आप देख सकते हैं डबल के अप्रोक्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम बढ़ी है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 7744 थी, तो अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी है। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है एक्सपेंसेस की, खर्चों की। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 7224 रुपीज़ का खर्चा किया है, जो कि लास्ट में 7088 था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से खर्चों को भी कंट्रोल किया गया है। और लास्ट ईयर सेम 7534 था, मींस आप कितना अच्छा आपको यहां लगेगा कि इतनी महंगाई के बावजूद इस कंपनी ने अपने खर्चों को कंट्रोल किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट यहां निकल कर आ रहा है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी हैवी लॉस में थी। उसके बाद अगर हम टैक्स के बारे में सब कुछ, मींस प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ 13 पॉइंट, क्योंकि टैक्स एडजस्टमेंट्स होती हैं और भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनके बाद कंपनी जो है 876 ये प्रॉफिट है कंपनी का। 876 लाख मींस 8.76 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3235 मींस 32 करोड़ के लॉस से सीधा कंपनी इतने शानदार प्रॉफिट में पहुँच चुकी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप देख सकते हैं 4 गुना ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट में उछाल आया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो आप देख ही सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये नंबर्स जो हैं इस कंपनी ने पेश किए हैं। अर्निंग पर शेयर अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो आप EPS भी यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का। लास्ट ईयर 0.01, इस बार 0.12, कितना ज़बरदस्त उछाल है। और पिछले क्वार्टर में तो लॉस में था दोस्तों। बहुत ही, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूँ, 5 स्टार, बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने खतरनाक नंबर्स पेश किए हैं। और जो इनका सेक्टर है, जिस हिसाब से इनको, मींस इनके कंपटीटर भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर ग्रीन सेक्टर की बात कर लें, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी है, अडानी ग्रीन के नाम से जाती है। इसके अलावा टाटा पावर भी सेगमेंट में है। बड़े बड़े दिग्गजों को भी ये कंपनी कहीं ना कहीं पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। और इस क्वार्टर में तो बड़े ही शानदार नंबर्स जो हैं इस कंपनी ने पेश किए हैं। इसके कंपनी की बात कर लें तो आपको पता ही है ये वो लेवल्स हैं जो इन्होंने हाई लगाया था, उसके बाद से अभी आपको कितने डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। 724 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है। अगर मैं
प्रॉफिट लॉस की बात करूं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले जो है पिछले क्वार्टर में तो बड़ा ख़तरनाक लॉस हुआ था, और उससे पहले भी मींस जो अभी नंबर्स आए हैं बड़े शानदार कंपनी के नंबर्स अभी निकल कर सामने आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो इस समय 34.53 एज इट इज़ सेम होल्डिंग प्रमोटर्स की बनी हुई है। FIs ने इस क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग इसमें स्टॉक में उठा बढ़ाई है। आप देख सकते हैं डबल से ज़्यादा जो है अपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाई है। DIs भी इसमें इंटरेस्टेड हैं 4.17, और रेस्ट होल्डिंग जो है पब्लिक के पास बनी हुई है। दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, और छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप इसको बोल सकते हैं, और जिस सेक्टर में ये कामकाज कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर आप सभी को पता है। तो दोस्तों यहाँ के लेवल से ये कंपनी अगर अभी की बात करें जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, तो ये जो है यहाँ से 25-30 के लेवल को आराम से जाएगी, और अगर अपने प्रीवियस हाई को ये तोड़ती है तब आपको 50 की तरफ के लेवल्स भी इसमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बड़े शानदार नंबर कंपनी ने पेश किए हैं, कंपनी को कामकाज मिल रहा है, और बड़ी ही खुशी की बात है कि इतने छोटे स्टॉक ने और इतना बढ़िया जो नंबर्स हैं वो पेश किए हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपकी एक लॉटरी से कम नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं, FIs ने भी स्टेक उठाए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इन फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, और आपका जो पैसा है उसको मल्टीपल करने की पूरी क्षमता रखती है। दोस्तों ये था आज की वीडियो में, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।